Hello friend, I am Shrush. Let's solve IMO practice paper of class 2. First question is, which of the following number sentence best describe the picture shown below? यानी यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को कौन सा सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब करता है? How many pictures are there, friend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ कितने पिक्चर्स हैं? 8. हर एक पिक्चर में कितने मंकीज है? 1, 2. हर एक पिक्चर में 2 मंकीज है. तो लेट्स एड देम टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मंकीज. तो यहाँ कितने पिक्चर्स हैं? 8. तो हम 8 times 2 लिखेंगे. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. तो इनका कितना आता है? 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16. यानी इनका जो टोटल मंकीज है वो है 16. तो ऑप्शन में से किस सेंटेंस का आंसर 16 आता है? लेट्स सी. ए ऑप्शन का आता है क्या? देखते हैं. यहाँ मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस दिया है, तो इसका आंसर कितना आता है वो देखते हैं. 4 twos are 8. तो यहाँ टोटल 8 है क्या? नहीं. अब भी ऑप्शन देखेंगे, कितने 2 दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और इनका आंसर कितना आता है वो देखेंगे. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16. तो इसका आंसर आता है 16. तो इसका आंसर भी 16 ही आता है और इसका आंसर भी 16 ही आता है. तो बी सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 500 2 ones plus 200 7 tens 9 ones is equal to 700 dash 10 1 ones. यानी हमें 500 2 ones में 200 7 tens 9 ones मिला देना है. तो उसका आंसर क्या आएगा? 700 dash 10 1 ones. यानी डैश के यहाँ कौन सा नंबर आएगा? लेट्स एड. तो फर्स्ट यहाँ क्या दिया है? 500 2 ones 500 2 ones. यानी टेंस पर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ 0 है. अब 200, तो ये 200. नेक्स्ट 7 tens and 9 ones. लेट्स एड. तो हम 2 में 9 मिला देंगे या 9 में 2 मिला देंगे. तो 9, 10, 11. तो यहाँ आएगा 1 और कैरी आएगा 1. तो 7 plus 1 is equal to 8. और 8 में 0 मिला देंगे तो वही नंबर आएगा. तो आ गया 8. अब 5 plus 2 6 7. तो यहाँ आएगा 7. यानी टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर है? 8. यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी.
Next question is 40 less than 368 is equal to dash. यानी हमें 368 में से 40 less करना है या minus कर देना है. Let's subtract. First हम यहाँ लिखेंगे 368, उसमें से कितने निकाल लेस करना है 40, तो यहाँ हम लिखेंगे 40 प्लस सब्सट्रैक्ट, 8 में से 0 जाने के बाद 8 ही बचता है, 6 में से 4 जाने के बाद 2 और 3 में से कुछ नथिंग यानी यहाँ 0 है, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 यानी हमारा आंसर आता है 328. तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं है क्या 328 वंस यानी 8 वंस में आ गया और 2 टेंस में आ गया, इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द वेइंग स्केल गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल वेट ऑफ 5 सच पंपकिंस. यानी हमें यहाँ एक वेइंग स्केल दिए है और हमें इस पंपकिन का वेट फाइंड कर ऐसे 5 सच पंपकिंस का हमें वेट निकालना है. तो यहाँ हम 2 पैन दिए हैं, फर्स्ट पैन में एक पंपकिन के साथ 2 केजी का स्टोन दिया है और नेक्स्ट पैन पे 2 केजी का स्टोन भी दिया है और 3 केजी का स्टोन भी दिया है. तो ये फर्स्ट पैन का 2 केजी और सेकंड पैन का 2 केजी ये क्रॉस कर देंगे हम इनको, ये क्रॉस करेंगे. फ्रेंड हम इन दोनों को लेने के बाद करेक्ट आंसर आएगा और इन दोनों को नहीं लेने के बाद ही करेक्ट आंसर आएगा. तो पंपकिन का वेट आ गया 3 केजी, ऐसे 5 पंपकिन का वेट निकालना है तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 का टेबल 5 काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. यानी ऐसे 5 सच पंपकिंस का वेट है 15. यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 15 केजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वी माइनस डब्ल्यू. यानी हमें वी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फ्रेंड्स लेट्स ऑब्जर्व गिवन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ हमें 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन दिया है 7v1 माइनस 6 1 1. तो इसका आंसर क्या आता है w 8 0. तो हमें v और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, v माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आता है. तो हम 8 प्लस 1 करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. यानी v की वैल्यू है 9. अब w की वैल्यू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आता है, इसलिए w की वैल्यू है 1. अब हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ बोला है v माइनस w 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है 8. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 सोल्जर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द
द गिवन सोल्जर्स, यानी हमें यहाँ सोल्जर्स दिए हैं उनके 4-4 के ग्रुप कितने बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स मैं ग्रुप फर्स्ट हम कितने सोल्जर्स हैं वो काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. कितने सोल्जर्स है? 24। अब हम ग्रुप बनाएंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये है 6, यानी कितने बन गए ग्रुप? 6। तो हमने यहाँ क्या किया फ्रेंड्स? डिवीजन। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लॉक शोज द टाइम इन द मॉर्निंग, यानी क्लॉक जो है वो मॉर्निंग का टाइम दिखा रहा है। कितने बजे हैं? 9:05. What was the time 2 hours ago? यानी हमें यहाँ क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, यानी 7:05. तो ये ऑप्शन दो जगह है, ए भी ए तरफ भी है और बी तरफ भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? मॉर्निंग के टाइम एएम लिखते हैं और नाइट के टाइम पीएम लिखते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम चल रहा है इसलिए एएम, इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूम टेम्परेचर इज 5 degrees Celsius मोर देन द टेम्परेचर शोन इन द गिवन थर्मामीटर, यानी रूम का टेम्परेचर 5 degrees Celsius मोर है किससे? जो थर्मामीटर में जो दिखा रहा है उससे 5 degrees Celsius मोर है। तो थर्मामीटर में कितना दिखा रहा है? 25 degrees Celsius। तो हमें 25 degrees Celsius में 5 degrees Celsius ऐड कर देना है तो कितना आ गया? 30 degrees Celsius। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अबेकस शोज 436, यानी हमें 4 ऑप्शंस में 4 अबेकस दिए हैं उसमें 436 कौन सा अबेकस शो करता है? तो ए ऑप्शन में अबेकस है तो उसमें देखेंगे 4 आता है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं आता है। बी में देखेंगे 4 आता है क्या? 1, 2, 3, 4 यहाँ आता है। अब टेंस प्लेस पे देखेंगे 3 आता है क्या? 1, 2, 3 आता है। वंस प्लेस पे 6 आता है क्या देखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन यहाँ ये अबेकस 436 शो करता है इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टॉय फ्रॉग स्टैंड फॉर 15, यानी एक टॉय फ्रॉग की कीमत 15 है देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 6 फ्रॉग्स स्टैंड फॉर --, यानी 6 फ्रॉग की कीमत कितनी होगी? तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 15 6 90, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी।